जय माता जी, राम राम सीता राम। तो इसमें हम एक घोड़ियों का ठाण साफ करते हैं। यहाँ से जो ये निकलता है, ये ऐसी मिट्टी होती है। हमारे हर घोड़ी हर गाय सबको ये शाम को है ना 6 बजे से 7 बजे तक में पूरी गौशाला और घोड़ियों सबका ये मिट्टी मिट्टी होती है ना, सब साफ करते हैं हमेशा। एक दिन के लिए नहीं, कोई भी दिन होगा, बारिश होगी नहीं होगी, कोई भी टाइम होगा, आधा घंटा इधर उधर होता है, लेकिन हर घोड़ी हर गाय का देखो ये साफ करते हैं हम। और ऐसे ये पाइप लगाया हुआ है हर घोड़ी का, है ना, हर घोड़ी का हर गाय का 100 गाय है, क्योंकि जो आपका वासन होता है उसमें ऐसे आपको खाना देगा तो आप थोड़ा खाएगा, तो ऐसे ही है। देखो ये इसमें जो भी किसी में जो गुस्सा होता है ना, तो ऐसा देखो ये ऐसी मिट्टी निकलती है। ये मिट्टी निकली है, यहाँ डाल देते हैं पूरी मिट्टी। ये इधर एक घमेला लगाया है, हमारे तगारा बोलता है, डॉन आया है हमारा, देखो। तो ऐसे देखो ये खोल के हर गाय हर घोड़ा सबको निकाल देते हैं पूरा। ये पूरा साफ करना पड़ता है, ऐसा कपड़ा रखा है, यानी ये कपड़ा हर घोड़ी हर गाय को ऐसे ही साफ कर देते हैं हमेशा। ये आपको मैं बताता हूँ, ऐसे ही साफ करते हैं। देखो यहाँ अभी लाइट कम पड़ रही है, आपको कम दिखाएगा। ऐसे निकाल देते हैं हर घोड़ी और हर गाय का कपड़ा मार के पूरा साफ करेंगे, क्योंकि जब इसमें मिट्टी जाएगा ना तो घोड़ी को और गाय होगी कोई भी होगा उसको बड़ा प्रॉब्लम रहता है। हमारे यहाँ 100 गाय है और कोई लेबर भी नहीं है, हम खुद घर से ही लड़का और मैं सभी करते हैं, यानी कि सब वही काम करते हैं। तीनों लड़का पढ़ाई करते हैं, लेकिन घोड़ियों का और गायों का ये देखो इतनी मिट्टी निकली हुई है, आप भी देख सकते हैं, यानी इतनी मिट्टी निकली है। और ये पूरा बंद कर देंगे, ऐसा ये बंद करने के लिए है। ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि नाइट हो जाती है ना तो कम दिखाई देता है। हर घोड़ी को ऐसे ही रखना चाहिए, गाय होगी, कोई कोई के घर जाते हैं ना हम, तो महीना महीना दो दो महीना उठाते नहीं, ये देखते ही नहीं इसमें, तो ये घोड़ा कहाँ से सही देगा और कहाँ से आपको आशीर्वाद देगा और कहाँ से पैसा देगा। हम देखो यहाँ इकट्ठे करते और इधर देखो इसमें कुछ नहीं है, है ही नहीं, ये हमारा महादेव है ना, महादेव का ठाण है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा खाने की आदत भी नहीं है और बसा भी है, और उसको गिर गाय का काकरेज का दूध मिलता है। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये इसमें अब ये हीरामणि खड़ डालेंगे, कटिंग करके हीरामणि खड़ डालेंगे, उसके बाद इसको जोगाड़ मिलेगा, ये बच्चा को नहीं मिलेगा, तूफान और महादेव को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको दूध मिलता है। ये दूसरे सबको मिलेगा, ये अर्जुन है हमारा नुकरा, तो अर्जुन ने देखो इसमें मिट्टी मिट्टी है, थोड़ी छोटी मोटी मिट्टी है और छोटा छोटा पाला होता है ना वो नहीं खाते, तो देखो ऐसे ही निकाल लेंगे खोलेंगे, हटे नुकरो ले ले। तो ये देखो यहाँ होल हो गया है और ऐसे ही ये डट्टा वो लगाते हैं। हर घोड़े और ये हर गाय को आप साफ करना तो ही आपको आशीर्वाद देगा और पैसा भी देगा, लेकिन आप रखेंगे और साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा और ऊपर से साफ मिलेगा। हाँ, बुद्धुआ देगी, ये ना बुद्धुआ देगे, घोड़ी होगी गाय होगी कोई भी एनिमल होगा, इसका हमेशा साफ होना चाहिए।
क्योंकि तो ही सही खाएगा ना, कि इसमें खाना पड़ा हुआ है। बहुत लोग ऐसा मैं देखा है कि मिट्टी निकालते ही नहीं ठाण में से, कोई कोई को तो ठाण भी नहीं होता। अभी कोई आदमी इतना गरीब नहीं है क्या भाई ये ठाण नहीं बना सकता। बना सकता है, कोई बड़ा बनाता है, कोई छोटा। ये देखो ये इतनी मिट्टी निकली है, और अभी इसको सबको हीरामणि कहाँ से आएगा तो वो भी डालेंगे तो बताएंगे, ये दूध पियेंगे। और देखो ये गोबर भी, एक टाइम में हम जब से बालू डाली ना तब से एक दिन में कम से कम 6 बार उठाते, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे हमेशा ये उठा लेते हैं, एक एक करके ढूंढ के। ये लड़का ढूंढ रहा है, इधर जैसे पैसा ढूंढते हैं ना बालू में से, ऐसे ऐसे एक एक करके ढूंढ के सब निकालते हैं, क्योंकि तो ये बालू सही लेगा। हेलो रेजू, ऐसे है ये, इसे सब निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है हम खुद ही उठाते हैं, ये ना खुद भी उठाते हैं। इसमें कोई 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 को शर्म आती है उठाने में, हमारे को तो नहीं आती है, क्योंकि यही हमारा भगवान है, यही हमारा देवता है, गाय और घोड़ी। देखो ऐसे ऐसे कोई भी छोटा मोटा होता है ना सब उठा लेते हैं हम, एक एक ढूंढ ढूंढ के उठाएंगे। पढ़ लिया भाई दे रहा थे कहना ऐसे ही उठाते हैं सब। हेलो, और इसका जब आप मिट्टी ये गोबर उठाने के लिए लीड उठाने के लिए जाते हैं तो ये दरवाज़ा पूरा बंद रखना चाहिए, तो घोड़ी निकल नहीं सकती। कोई कोई बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, ये दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं छोड़ना। ये देखो पूरा ट्रेलर लोड कर रहा है, ऐसे ये पूरा लोड हो जाएगा तब गायों का गौशाला में डाल देंगे, तो ये लीड इधर उधर घूमेगी नहीं, क्योंकि बढ़िया खाद बन जाएगा। तो ऐसा है हमारा काम और ऐसा फार्म है। ये देखो नाइट में सीसी कैमरा चालू है, उसमें जब लैंप बंद होता है ना तब ये लाइट चालू होती है, वो भी आपको मैं बताता हूँ कैसे चालू कर। ये जोगाड़ पड़ा हुआ है सबको, ये शाम को एक टाइम ही हम जोगाड़ देते हैं। ये देखो ये बंद हो गया है तो भी अभी चालू नहीं हो रहा है। सीसी कैमरा के ऊपर भी लैंप आता है, बढ़िया लैंप आता है। अभी और लाइट बंद होगी ना तब वो चालू होता है, वो चालू रहता है सीसी कैमरा पर, जो उसके ऊपर लाइट आती है ना वो लाइट जब अंधेरा हो जाता है तब चालू होती है। तो ये लैंप बंद होगा ना तब ये चालू होगा, आप देखिए थोड़ा। फिर मैं ये लैंप बंद करता हूँ, लैंप बंद करता हूँ। देखो ये अभी चालू होगा, सब लाइट बंद हो जाती है तब उसको पता चलता है कि सनसेट हो गया है, सूर्य नारायण उसके घर चला गया है, तब ये चालू होती है। देखो ये दूसरी भी मैं बंद करता हूँ, है देखो ये अभी चालू हुई है, ये ऑटोमेटिक चालू होती है। ये देखो ये पूरी लाइट सब बंद करना पड़ती है, जैसे ये शूटिंग तो चालू रहता है नाइट में इसका। देखो ये मैं पूरा दिखाता हूँ, इसकी इतनी लाइट पड़ती है, ये सीसी कैमरा की है। तो ऐसे है फिर सीसी कैमरा, ये लाइट चालू होगी ना सब दूसरी लाइट, तो ये लाइट बंद हो जाती है, ये दिन में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, ऐसा है। देखो ये अंदर वाली लाइट चालू हो गई है सब। वैसे है अर्जुन जी पासो लीड करेगा दास।
तो जितनी बार लीड उठती है इतना बढ़िया रहता है। देखो अर्जुन हमारा वापस कर रहा है, तो वापस भी उठाने के लिए लड़का जा रहा है। ये हमारा दीप है। बस लाकड़ी लेने जाओ फेरी फोटी इले सेट हो गए। सबको फैन बैन लगाया हुआ है। अर्जुन देखो ऐसा घूम रहा है इधर। कभी हीरामणि खड़ आएंगे तो वो डाल देंगे। ऐसा है ये देखो बाहर वाली लाइट की है। इसको थोड़ा प्रॉब्लम है ना पैर में, तो मक्खी और आती है, तो इसीलिए बंद रखा है इसकी लाइट। जय माता जी।